In this chapter, we are going to study word, table and male merge. This is for class 5 students. This is for class 5. Okay, chapter 3. Now understand, in this chapter we are going to understand various features of word. We will be able to create document using various features, insert table and text in it, use male merge to produce personalized documents. So in the previous class we have learned about Microsoft Word. Now we are going to learn about some more features provided in Word. So Microsoft Word क्या होता है? Microsoft Word एक full featured word processing program होता है. ये user को allow करता है create और edit करना documents को. It containing mostly text and something graphics. ठीक है, इसमें कुछ graphics भी होता है और ज़्यादातर इसमें text होता है. जो major advantage होता है word को use करने का, कि जो इसके users होते हैं वो easily change कर सकते हैं जो भी उन्होंने type किया होता है. ठीक है, आप एक कॉपी भी सेंड कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में टू वेरियस ईमेल एड्रेसेस में व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट. जब आप इंटरनेट से आपका लैपटॉप या फिर आपका जो डेस्कटॉप है या फिर आपका जो, अगर आप फ़ोन में काम कर रहे हैं या वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपने जो भी टेक्स्ट वहाँ पे लिखा है उस टेक्स्ट में आप इजीली चेंजेस कर सकते हैं. और अगर आपके ये डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, देन यू कैन सेंड इट टू द यूजिंग ईमेल, राइट. सो मिलियंस ऑफ पीपल यूज़ वर्ड. मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो वर्ड का यूज़ करते हैं हर रोज़. किस लिए? डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, लेटर्स को, मेमोज को, रिपोर्ट्स को, फैक्ट्स को, कवर शीट्स को, मेलिंग लेबल्स को एंड न्यूज लेटर्स को. अब वर्ड के फीचर क्या क्या होते हैं इसमें, तो सबसे पहले आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं. यू कैन यूज़ द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट का एक प्रूफ रीड हो जाए कि वो सारा कुछ करेक्ट है. सेकेंड इज थेसोरस. व्हेन थेसोरस यू कैन लुक अप फॉर सिनोनिम्स वर्ड्स विद द सेम मीनिंग फॉर वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट. एज सून एज यू प्रेस ऑन दिस यू विल गेट द सिनोनिम्स ऑफ दोज वर्ड्स. नाउ कॉलम्स. कॉलम्स क्या होते हैं? मोस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कैन अरेंज टेक्स्ट इन टू और मोर कॉलम्स, लाइक इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. द टेक्स्ट फ्रॉम द बॉटम एट वन कॉलम ऑटोमेटिकली फ्लोज टू द टॉप ऑफ द टेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम. टैबलेट्स क्या होते, सॉरी टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स के थ्रू आप रो और कॉलम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको आप रीअरेंज कर सकते हैं, उनकी विथ में चेंजेस कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट में चेंजेस कर सकते हैं. मेल मर्ज. मेल मर्ज का इस्तेमाल जो होता है वो किया जाता है पर्सनलाइज लेटर्स को क्रिएट करने में, मेलिंग लेबल्स को, इनवेलप्स को. ठीक है. नाउ ऑटो करेक्ट क्या होता है? द फीचर करेक्ट कॉमन स्पेलिंग एरर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टाइप द वर्ड ADN, द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली चेंजेस इट टू द वर्ड एंड. सपोज आपने गलती से ANS लिख दिया या फिर आपने ADN लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली ये इसको एंड में चेंज कर देगा. ठीक है, तो ऑटो करेक्ट का मतलब होता है कि अगर उसको लग रहा है कि ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको वो करेक्शन कर देगा. दूसरी चीज़, कैपिटलाइजेशन. कहाँ पर कैपिटल होना है, कौन सा वर्ड कैपिटल होना, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा, वो इन सब चीज़ों को देखता है. ठीक है. नाउ ऑटो फॉर्मेट क्या होता है? इट ऑटोमेटिकली क्रिएट सिम्बल्स, फ्रैक्शंस, ऑर्डिनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टाइप, जब आप ये इस तरह का कोई सिंबल टाइप करते हैं, तो ये स्माइलिंग फेस में चेंज हो जाता है. और फ्रैक्शन लिखते हैं, इट क्रिएटेड व्हेन यू टाइप 1/2 एंड द ऑर्डिनल इज सेकेंड. सो व्हेन यू टाइप सेकेंड, जब आप इस तरह सेकेंड लिखते हैं, तो इस तरह वो सेकेंड हो जाता है. ठीक है. टेकिंग चेंजेस. इट मल्टीपल यूजर्स वर्क विद द डॉक्यूमेंट. यू कैन इंस्ट्रक्ट द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टू हाईलाइट. ठीक है, तो अगर मल्टीपल यूजर्स जो है वो डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, तो आप उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी भी मतलब हाईलाइट करने के लिए कलर कोड को, चेंजेस मेड बाई वेरियस यूजर्स. इन दिस वे यू कैन ईजली सी वॉट चेंजेस हैव बीन मेड टू द डॉक्यूमेंट. अब ये है आपका प्रोजेक्ट लेटर रिगार्डिंग एनुअल फंक्शन एंड अवार्ड डिक्लरेशन. सो सबसे पहले सब्जेक्ट इंटीग्रेशन. इसमें हम कंप्यूटर के साथ इंग्लिश का कर रहे हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग कर रहे हैं. और ये ग्रामर का सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पढ़ना सीखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये March 10, 2021 की बात है. दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट ऑन 30th January 2021
2021, annual function of PM Public School 2021 was organized in the school premises. Mr. Rajesh Bajaj was the honorable chief guest. The function commenced by lighting of the lamp by the school principal, Miss Renu Khare. At the end of function, award ceremony was conducted to recognize the efforts of the students. The awards were conferred to the chief guest and the principal. So, these are the following table shows the names of winners in various categories. Pehla category best athlete hai, isme student ka name hai Ankush Srivastava, class section 8C. Means you can also prepare this kind of letter using वर्ड डॉक्यूमेंट. मीन्स आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसमें आप टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं, इवन आप इसमें कॉलम और वो बना करके यहाँ पर एक लिस्ट का पार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, नाउ क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट. अब आप डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे? एंटरिंग टेस्ट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंटर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. पहले तो कीबोर्ड की मदद से जो भी आपको मैटर लिखना है वो आपने लिख लिया. अब लिखने के बाद आपने क्या किया, मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड. जहाँ जहाँ आपको जैसे स्कूल का नाम बोल्ड करना है तो आप होम टैब पर जाएंगे और वहाँ से कंट्रोल प्लस बी बटन से जो भी एरिया या जो भी वर्ड जो भी टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे. फिर फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, एक तरह का टूल होता है जहाँ से यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग. मीन्स फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो आप अप्लाई कर सकते हैं वन पोर्शन से लेके अदर पोर्शन में. ठीक है, डॉक्यूमेंट के. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट डिस्प्लेज द फॉर्मेटिंग बोल्ड. पहले इस पर क्लिक करेंगे, फिर होम टैब पे जाएंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे टू फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट. ठीक है, नाउ माउस पॉइंटर चेंजेस व्हेन यू ओवर योर डॉक्यूमेंट. ठीक है, जैसे अब आपको इसी फॉर्मेट में इसको भी चेंज करना था तो ये सेम फॉर्मेट में कर देगा. ठीक है, जितना आपने सेलेक्ट किया है. अब कॉपी फॉर्मेटिंग टू सेवरल एरियाज. अब सपोज आपको यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, तो ऐसे में क्या करेंगे, अगेन हम होम टैब पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पर और सिलेक्ट करेंगे उस एरियाज को जिन्हें हम बोल्ड करना चाहते हैं. ठीक है, उसके बाद अप्लाई कर देंगे. नाउ मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक. अब उसे हम इटैलिक कैसे कर सकते हैं, यू कैन मेक योर टेक्स्ट स्लांट. आप अपने टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं. ठीक है, कैसे, आपको सबसे पहले सिलेक्ट द टेक्स्ट. पहले तो आपको सपोज इसको अगर स्लांट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब पे जाएंगे और वहाँ से कंट्रोल प्लस आई प्रेस कर देंगे. चेंजिंग अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. इवन कि आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं. इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट पर जाइए, होम टैब पर जाइए, क्लिक ऑन जस्टिफाई. और जब आप जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा इस तरफ, मतलब एकदम राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, वो आपसे पूछेगा. ठीक है, तो आप उसको अपने अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उसको मार्जिन में सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, चेंजिंग द फॉन्ट साइज. आप फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट साइज कंट्रोल्स ओवरऑल साइज ऑफ द फॉन्ट जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स. यू कैन इंक्रीज डिक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया और आपको जितनी साइज यहाँ पर फॉन्ट की चाहिए आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चेंजिंग द फॉन्ट कलर. इवन यू कैन चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट. ठीक है, सबसे पहले हम क्लिक ऑन होम टैब पर जाएंगे, इसके बाद क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ फॉन्ट कलर. यहाँ पर फॉन्ट कलर आपके सामने एक बॉक्स पूरा खुल के आ जाएगा. अब इसमें आपको जो कलर चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप अपने अकॉर्डिंग कलर को सेट भी कर सकते हैं. चेंजिंग पैराग्राफ स्पेसिंग. आप पैराग्राफ स्पेसिंग को भी चेंज कर सकते हैं. क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ. पैराग्राफ में कहीं पर भी आप क्लिक करिए और सेलेक्ट करिए. टू सेट स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर इट, क्लिक ऑन लेआउट टैब. लेआउट टैब पर आप क्लिक करिए, इसके बाद में क्लिक ऑन एरोज पर क्लिक करेंगे टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पेस. जितना भी आपको स्पेस बढ़ाना घटाना है उस पर क्लिक करेंगे. वर्ड अप्लाइज द स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर द सिलेक्टेड पैराग्राफ. इसके बाद है चेंजिंग टैब सेटिंग. अब उसे कैसे चेंज करते हैं, टैब इज़ अ शॉर्ट फॉर टैबुलेशन. टैबुलेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है टैब और इसका यूज़ किया जाता है कंट्रोलिंग द पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट एग्जैक्टली वेयर वुड यू लाइक इट इन द डॉक्यूमेंट. टू लाइन अप इंफॉर्मेशन इन योर डॉक्यूमेंट बाई डिफॉल्ट वर्ड क्रिएट्स स्टॉप्स एवरी 0.5 इंच अक्रॉस द पेज एंड लेफ्ट अलाइंस. ठीक है,
तो जो लेफ़्ट टैब होता है, जो कि नॉर्मल होता है, ये अलाइन करता है टेक्स्ट को लेफ्ट ऑफ द टॉप स्टॉप, द टेक्स्ट फॉलोज टू द राइट। राइट टैब क्या करता है, ये इट अलाइंस द टेक्स्ट ऑन द राइट ऑफ द टैब स्टॉप, जो टैब स्टॉप के राइट में होता है उसको ये अलाइन करता है। सेंटर टैब मिडल में करता है, बीच में। डेसिमल टैब जो होता है वो अलाइन नंबर्स और टेक्स्ट को विद अ पीरियड के साथ में अलाइन करता है। बार टैब क्या करता है, वर्टिकल लाइन जो होती है वो डेजिग्नेटेड टैब स्टॉप में क्रिएट करता है। इसके बाद है एडिंग अ टैब, ठीक है। इन द व्यू टैब क्लिक ऑन रूलर चेकबॉक्स। रूलर चेकबॉक्स पर आप यहाँ क्लिक करिए, सिलेक्ट द टेक्स्ट वेयर यू वॉन्ट न्यू टैब, फिर वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए जहाँ पर आपको न्यू टैब चाहिए। क्लिक ऑन द एरिया अंटिल द टाइप ऑफ टैब यू वॉन्ट टू ऐड अपीयर्स, जब तक कि वो टैब दिखाई ना पड़ने लगे तब तक आप उसको क्लिक करके रहिए। इसके बाद क्लिक ऑन बॉटम हाफ ऑफ द रूलर वेयर यू वॉन्ट टू ऐड द टैब, जहाँ पर भी आपको टैब चाहिए वहाँ नीचे की तरफ भी हम उनको शिफ्ट करेंगे। नाउ द न्यू टैब अपीयर्स ऑन द रूलर्स, इन दिस एग्जांपल वी हैव सिलेक्टेड सेंटर टैब। जब सेंटर टैब इसमें अप्लाई होगा तो वो यू कैन रिमूव द टैब बाय ड्रैगिंग द टैब ऑफ द रूलर। क्लिक ऑन बिगिनिंग ऑफ द लाइन, बिगिनिंग लाइन के बिगिनिंग में हम क्लिक करेंगे, देन प्रेस द टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड, फिर हम टैब को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। द इंसर्शन पॉइंट एंड टेक्स्ट दैट फॉलोज मूव्स टू द टैब यू सेट। इंसर्टिंग टेबल, अब टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल्स आर वेरी यूजफुल, दे आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, ईजी टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट, ठीक है। तो वो हमें क्या करते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। विच इंटरसेक्ट टू फॉर्म सेल्स, यू कैन इंसर्ट ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, सभी तरह के डेटा जो है आप सेल्स में इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों। टेबल्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, यूजफुल फॉर वेरियस टास्क लाइक प्रेजेंटिंग टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन और न्यूमेरिकल डेटा। चेंजिंग अ टेबल, आप टेबल को चेंज कैसे कर सकते हैं, फर्स्टली यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक टेबल, सबसे पहले आप एक ब्लैंक टेबल क्रिएट करिए एंड टाइप डेटा इन इट और उसमें डेटा को भर लीजिए। फिर उसके बाद यू कैन इंसर्ट अ प्रीसेट टेबल, आप एक प्रीसेट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं एंड डाउनलोड सॉरी डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस द टेक्स्ट ऑफ द प्रीसेट टेबल विद योर ओन टेक्स्ट, ठीक है। तो अपने टेक्स्ट से आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, पहले अगर आपके पास कोई ऑलरेडी सेट हुआ टेबल है तो आप उसमें अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। थर्डली यू कैन ड्रॉ कस्टमाइज टेबल, फिर आप उसमें कस्टमाइज टेबल भी डाल सकते हैं बाय कंट्रोलिंग हाउ द रोज एंड कॉलम्स अपीयर इन इट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हमें टेबल चाहिए, फिर हम टेबल को इंसर्ट करेंगे, टेबल बटन पर जाएंगे, माउस पॉइंटर को हम ड्रैग करेंगे जब तक कि वो हाईलाइट नहीं कर देता है रोज एंड कॉलम्स को जिसमें हमें टेबल को इंसर्ट करना है। वर्ड शोज़ द प्रीव्यू ऑफ द टेबल, वो उसका प्रीव्यू दिखाएगा जैसे ही आप उसको इंसर्ट करेंगे। इंटरिंग टेक्स्ट इन टेबल, और इस तरह से जब आप सेल पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आप टेक्स्ट को इंटर करना चाहते हैं वहाँ पर आप टाइप करना स्टार्ट कर देंगे, और यू कैन प्रेस द टैब की, और टैब की से जब आप प्रेस करेंगे टू मूव द इंसर्शन पॉइंट, तो ये इंसर्शन पॉइंट जो है वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा और इसी स्टेप को आपको रिपीट करना है जब तक कि आप लास्ट वाले सेल में नहीं पहुंच जाते, ठीक है। नाउ डिलीटिंग अ टेबल, अब टेबल को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, नाउ क्लिक ऑन लेआउट टैब, लेआउट टैब पर हमने क्लिक किया, इसके बाद हम डिलीट पर गए और फिर हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। Selecting cells in a table, you can select table cells, rows and columns in a table to perform editing text and apply formatting to all the selected areas of the table. सबसे पहले क्लिक करिए, ड्रैग करिए माउस को, ठीक है, रिलीज द माउस, माउस को रिलीज करिए। इसके बाद लेआउट टैब, यू कैन ऑल्सो यूज सिलेक्ट टूल, किसी भी पार्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल क्लिक द सेल टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन इट, तो जब आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आप सब कुछ इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक योर माउस नियर द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द रो एंड क्लिक इट, जब आप इसके लेफ्ट में लेकर जाएंगे और क्लिक करेंगे, टेक योर माउस नियर द टॉप, यहाँ पर जब टॉप पर लेके जाएंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Now adding rows in a table, अब रो कैसे आप ऐड कर सकते हो, इसके लिए आपको रो में जा कर के क्लिक करना है। इसके बाद
if you want to add another row. If you select more than one row, word duplicates the number when you activate insert command. ठीक है, so यहाँ पे insert command से आप वो insert कर सकते हैं. Now click on layout tab. Layout tab पर click करिए, insert above पर जाइए और इसके बाद insert below में जाएंगे तो नीचे add on हो जाएगा. ठीक है, adding columns in a table. अब कॉलम को कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए क्लिक ऑन द कॉलम, इसमें हम कॉलम पर जाएंगे और वे यू वांट टू ऐड अनदर कॉलम, जहां पर भी आपको दूसरा कॉलम चाहिए होता है, लेआउट टैब पर आप क्लिक करिए, उसके बाद क्लिक इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट ऑप्शन टू ऐड कॉलम. ठीक है, डिलीटिंग अ रो. अब आप एक रो को कैसे डिलीट कर सकते हो, तो यू कैन डिलीट अ रो और कॉलम यू नो लॉन्गर नीड इन योर टेबल. ठीक है, तो इसके लिए हमें लेआउट टैब को सिलेक्ट करना है, डिलीट बटन को सेलेक्ट करना है. डिलीट कॉलम को डिलीट करते ही वो रो डिलीट हो जाएगी. ठीक है, नाउ कंबाइनिंग सेल्स इन अ टेबल. अब टेबल में हम सेल्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, यू कैन कंबाइन टू और मोर सेल्स इन योर टेबल टू क्रिएट वन लार्ज सेल. तो एक लार्ज सेल को क्रिएट करने के लिए हम दो या दो से ज़्यादा सेल को कंबाइन कर सकते हैं. कंबाइनिंग सेल इज़ यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं टाइटल को अक्रॉस द टॉप और डाउन साइड ऑफ योर टेबल. सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक ऑन लेआउट टेब टैब, देन मर्ज सेल ऑप्शन पर जाएंगे और फिर हम इस तरह से इनको मर्ज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ सेटिंग सेल इन अ टेबल. तो यू कैन स्प्लिट वन सेल इंटू टू, एक सेल को आप दो भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. अब यहाँ पे देखो स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स आ रहा है, तो आप इस तरह से इस क्लास वाली सेल को इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बाय गिविंग कमांड. नाउ फॉर्मेटिंग अ टेबल, यू कैन फॉर्मेट द टेबल टू इन्हांस इट्स लुक एंड मेक इट अट्रैक्टिव. सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट, यू कैन असाइन सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट नोटेशन टू एनी टेक्स्ट टू मेक इट अपीयर अबव और बिलो द रेगुलर लाइन ऑफ टेक्स्ट. सुपर स्क्रिप्ट विल मेक द टेक्स्ट अपीयर अबव द रेगुलर लाइन ऑफ टेक्स्ट और जो सब स्क्रिप्ट होता है वो बिलो लाइन ऑफ टेक्स्ट में शो करता है. ठीक है, नाउ टाइप एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वॉन्ट टू सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट. क्लिक द होम टैब, होम टैब पर आप जाइए, इसके बाद में वहाँ से आपको किस पे क्लिक करना है, सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है. जब आप सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्लस ऑप्शन दबाएंगे और इसके बाद में सब स्क्रिप्ट के लिए आप कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू ऑप्शन को क्लिक करेंगे. ठीक है, नाउ बोल्ड द टेक्स्ट. अब आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, उस मतलब जिस भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, और उसके बाद बोल्ड कमांड देने पे जो फॉर्मेट पेंट एंड फॉर्मेट पेंट टूल, यू कैन बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है आप उसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं. नाउ अलाइनिंग द टेक्स्ट इन सेल, इवन आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं. इसके लिए भी हमें वही प्रोसेस करना है, सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ हमें अलाइनमेंट चाहिए, फिर लेआउट टैब पर जाएंगे, फिर अलाइनमेंट ग्रुप पर जाएंगे, फिर जैसे भी हमें अलाइन करना होगा हम उसको अलाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में. ऐड शेडिंग टू अ सेल, शेडिंग भी कर सकते हैं. सिलेक्ट द सेल और सेल्स टू विच यू वांट टू शेडिंग, जिसको आपको शेडिंग करना है उसको आप पहले सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, नाउ सिलेक्ट द सेल्स देन क्लिक द डिज़ाइन टैब. उसके बाद हम क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब पर जाएंगे. आफ्टर डिज़ाइन टैब हम यहाँ शेडिंग ऑप्शन में आएंगे और जो भी हमें कलर से उसको शेड करना होगा वो कलर हम कलर पैलेट से पिक कर लेंगे. नाउ वर्ड अप्लाइज द शेडिंग टू द सिलेक्टेड सेल, उसमें वो शेडिंग अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, नाउ यूजिंग मेल मर्ज, यू कैन यूज़ द मेल मर्ज फीचर टू प्रोड्यूस अ पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट सच एज एन अनाउंसमेंट, ग्रीटिंग कार्ड. अगर आपको ग्रीटिंग कार्ड या फिर अनाउंसमेंट ऐसा कुछ देना है तो आप मेल मर्ज से कर सकते हैं. मेल मर्ज एक तरह का प्रोसेस होता है कंबाइन करने का या मर्ज करने का दो से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को. इसमें जो डेटा सोर्स होते हैं उसमें नेम होता है, एड्रेस होता है ईच रेसिपेंट का जिसको कि आप भेजना चाहते हैं. सपोज़ यू वॉन्ट टू सेंड अ सर्कुलर, कोई एक सर्कुलर है, एक मैसेज है जो आप 100 डिफरेंट स्टूडेंट को किसी एक इवेंट के लिए स्कूल में भेजना चाहते हैं. सो विद द मेल फीचर यू कैन राइट वन सर्कुलर, आपने एक सर्कुलर लिखा सारे स्टूडेंट को, ओनली द स्टूडेंट्स नेम एंड एड्रेस विल बी डिफरेंट इन ईच सर्कुलर. सो द वर्ड मर्जेस ईच स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, वो क्या करेगा,
मर्ज कर देगा सारे स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को अलग अलग सर्कुलर में. द वर्ड मर्जेस, ठीक है. दिस प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल और ये बहुत ही फास्टर होता है. नाउ बेनिफिट्स ऑफ मेल मर्ज का लाभ क्या क्या होता है. एक तो ये आपके काम को आसान कर देता है, इसमें जो भी चेंजेस चाहिए होते हैं वो भी वो बहुत जल्दी से कर देता है. ओवर द मर्ज, वंस द मर्ज हैज़ बीन सेटअप, एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी कस्टमाइज्ड. एक बार आपने मर्ज को सेट कर दिया तो कोई भी लेटर वहाँ पर कस्टमाइज हो सकता है और बहुत आसानी से भेजा जा सकता है. इट बिकम्स मच ईजियर टू प्रूफ रीड, ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है प्रूफ रीड के लिए. वन लेटर रादर दैन रीडिंग हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स, यू कैन सेव द मेन डॉक्यूमेंट्स एंड री यूज इन द फ्यूचर. नाउ चेंजिंग क्रिएटिंग मेल मर्ज क्या होता है. नाउ ओपनिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट दैट यू वॉन्ट टू यूज एज द लेटर, द इंफॉर्मेशन ऑफ द लेटर शुड नॉट चेंज फ्रॉम लेटर टू लेटर. पहली बात तो वो लेटर से लेटर में चेंज नहीं होना चाहिए. और वहाँ पर आप अब मेलिंग पर जा कर के, यहाँ मेलिंग है, मेलिंग पर क्लिक करेंगे, देन स्टार्ट मेल मर्ज पर जाएंगे, इसके बाद यहाँ लेटर्स पर आएंगे, ठीक है. नथिंग हैपन्स ऑन स्क्रीन बट वर्ड सेटअप फॉर अ मेल मर्ज. नाउ क्लिक ऑन सिलेक्ट रेसिपेंट्स, फिर जो सिलेक्टेड रेसिपेंट्स हैं उनको आप क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रेसिपेंट लिस्ट यू प्लान टू यूज़, इसके बाद हम न्यू लिस्ट पर आ जाएंगे, ठीक है. द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, इस तरह का न्यू एड्रेस का डायलॉग बॉक्स आएगा. क्लिक ऑन कस्टमाइज कॉलम, कस्टमाइज कॉलम पर आप क्लिक करिए, कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट आप जा करके वहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं. इसके बाद क्लिक ऑन ऐड बटन, ये जो ऐड बटन है यहाँ क्लिक करिए, ऐड कॉलम, एंड क्लिक ऑन डिलीट बटन टू डिलीट अनवांटेड कॉलम, जो कॉलम आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो. कोई रीनेम करना है तो यहाँ रीनेम का ऑप्शन है, आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं. द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स अगेन, क्लिक ऑन ईच एरिया एंड टाइप द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ पे हर एक इंसान का एक अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जाकर के आप लिख दीजिए जो भी है. इसके बाद है रिपीट स्टेप्स 10 to 11 फॉर ईच पर्सन टू बी एडेड इन योर मेलिंग लिस्ट, इस तरह से उनका नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, सिटी क्या है, ये सारा कुछ आप उसमें ऐड कर सकते हैं. और अगर सपोज़ कहीं गलत से गलत एंट्री हो गई तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है. नाउ द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग्स बॉक्स अपीयर, फिर वो दिखाएगा वो सेव एड्रेस के लिए. टाइप अ नेम फॉर द फाइल, जो भी आपको नाम चाहिए वो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं और सेव बटन को क्लिक कर सकते हैं. यू कैन सेलेक्ट स्पेसिफिक रेसिपेंट्स फ्रॉम द मेलिंग लिस्ट टू सेंड द लेटर. इसके बाद हमें कहाँ जाना है, एडिट रेसिपेंट लिस्ट पर जाना है, मेल मर्ज पर जाना है. फिर एक विंडो दिखाई देगा और ये एरिया बताएगा उन लोगों के बारे में जिन्हें हमें लिस्ट भेजनी है. टू सॉर्ट द लिस्ट, हम यहाँ से लिस्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है. अ चेक मार्क बिसाइड अ पर्सन्स, यहाँ पर आपको एक चेक मार्क दिखाई देगा. दैट वर्ड विल क्रिएट अ पर्सनलाइज लेटर फॉर द पर्सन टू ऐड और रिमूव, ठीक है. तो अगर मतलब आपको अगर उन्हें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप उन्हें रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं. क्लिक ऑन द लोकेशन, अब लोकेशन पर क्लिक करेंगे, वेयर यू वॉन्ट टू ऐड द एड्रेस टू अपीयर इन द लेटर. अब यहाँ पर जो ये एड्रेस ब्लॉक है इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, फिर यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. क्लिक ऑन फॉर्मेट फॉर ईच, अब यहाँ पर ये फॉर्मेट पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं एड्रेस फॉर्मेट का, और फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है. अ मर्ज फील्ड रिप्रेजेंटिंग द एड्रेस ब्लॉक अपीयर्स इन द लेटर. नाउ क्लिक ऑन द लोकेशन, आपको उस लोकेशन को क्लिक करना है जहाँ पर आप उस ग्रीटिंग को चाहते हैं कि दिखे. तो यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन है, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ पर इंसर्ट द ग्रीटिंग लाइन में जाइए और डायलॉग बॉक्स आपको एक दिखाई देने लगेगा. क्लिक ऑन दीज एरियाज टू स्पेसिफाई द ग्रीटिंग फॉर्मेट. अ प्रीव्यू ऑफ द ग्रीटिंग अपीयर्स हियर, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे. इसके बाद एक मर्ज फील्ड रिप्रेजेंटिंग द ग्रीटिंग लाइन अपीयर्स इन द लेटर, यहाँ पर आपको ये ग्रीटिंग लाइन दिखाई देने लगेगा. आफ्टर कंप्लीटिंग द मर्ज वर्ड विल रिप्लेस द मर्ज फील्ड विद ग्रीटिंग इन्फॉर्मेशन, अब इस ग्रीटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ इस ग्रीटिंग लाइन को वो मर्ज कर देगा. अब चाहे तो आप इसका प्रिव्यू देख सकते हैं प्रिव्यू रिजल्ट में, ठीक है. इसके बाद है क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज, अब आप
फिनिश और मर्ज ऑप्शन पर जा करके उसको फिनिश कर सकते हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। द मर्ज टू न्यू डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। क्लिक ऑन रेडियो बटन, यहाँ पर अब आपको रेडियो बटन पर, ये जो रेडियो बटन्स आपको दिख रहे हैं इन पे आप क्लिक करेंगे। विच पीपल फॉर्म यू मेलिंग लिस्ट यू वॉन्ट टू क्रिएट लेटर, सबके लिए लिखना चाह रहे हैं या सिर्फ करंट रिकॉर्ड के लिए या फिर फ्रॉम इससे टू इससे, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक कर लेंगे। इफ़ यू हैव सिलेक्टेड फ्रॉम स्टेप 31, अगर आपने स्टेप 31 को सिलेक्ट किया है, देन द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड द टाइप नंबर ऑफ द फर्स्ट पर्सन यू वॉन्ट टू क्रिएट अ लेटर फॉर, देन प्रेस द टैप की, इसके बाद हम टैप की को प्रेस करेंगे, एंड टाइप द नंबर ऑफ द लास्ट पर्सन यू क्रिएट अ लेटर, ठीक है। फिर वर्ड ओपन्स अ न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट खिल जाएगा और आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट को। उसके बाद में यू कैन स्क्रोल थ्रू टू सी द ऑल द पेजेस, आप इसको स्क्रोल करके इसके सारे पेजेस को भी देख सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आई नो दीज पॉइंट्स, आई नो दैट वर्ड इज़ फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। येस इट इज़, ये फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ही है। आई नो दैट फॉर्मेट पेंटर टेल टूल इज़ यूज टू कॉपी द फॉर्मेट दैट वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर अ पोर्शन, सो चिल्ड्रेन यू नीड टू डू दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर। वेरी सून आई विल अपलोड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, सो थैंक यू सो मच।